आप सभी लोगों का मेरे देखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम क्रिस्टल्स को क्लीन कैसे करें, कैसे प्रोसेस करें, और क्रिस्टल्स के जो एनर्जीज है अगर वो हमारी ब्लॉक हो जाती है तो उनको कैसे जाने, कैसे समझे। आज इस विषय पे बात कर रही हूँ, तरीका बताऊंगी। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब की करें। और क्रिस्टल्स की दुनिया पर बात करूंगी, उनकी क्लीनिंग की बात करूंगी, कैसे आप क्लीन करते हैं। क्रिस्टल्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिस्टल ले लेने, जैसे मैं ले रही हूँ, बड़ा छोटा कैसे भी क्रिस्टल हो सकते हैं, कोई भी क्रिस्टल आप ले सकते हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है क्रिस्टल, ये आपके ऊपर है। देखिए, पायराइट हो आपके पास में, एमेथिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास क्लस्टर है तो क्लस्टर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, केव फॉर्म में है, कैसा भी क्रिस्टल हो। अब क्रिस्टल्स को जानने के लिए जिनसे आप क्रिस्टल्स लेते हैं उनसे आप जान लीजिए कि जो क्रिस्टल्स है वो कैसे क्लीन होंगे। हालांकि ये बता देते हैं, सबसे बेस्ट हमारा जो तरीका क्रिस्टल को क्लीन करने का होता है वो होता है प्लेन वाटर। आप एक ग्लास में पानी ले सकते हैं, प्लेन वाटर में आप पानी डाल लीजिए और उसके बाद में उसको क्लीन के लिए उसमें छोड़ दीजिए। आप चाहे तो 24 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, जैसा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप वहां पर छोड़ सकते हैं। पानी के अंदर से आपने ये टंबल है, आपको इसको क्लीन करना है, आपने 2-4 टंबल ले लिए और टंबल्स को लेके पानी के अंदर आपने डिप कर दिया और डिप करने के बाद उसे 4 घंटे के लिए आप भूल जाइए। यदि आप रेकी से जुड़े हुए हैं तो आप वहां पर चौकुरे का इस्तेमाल कीजिए और चौकुरे से आप वहाँ पे उसकी जो भी अगर आपको लगता है नेगेटिव एनर्जीज है तो उन्हें रिमूव कीजिए और इस प्रकार से क्रिस्टल्स को छोड़ दीजिए। जब आप क्रिस्टल्स को वहाँ पे छोड़ देंगे तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो पानी में आ जाएगी और क्रिस्टल क्लीन हो जाएंगे। वहाँ से उसको निकालना है, प्रॉपर क्लीन करना है अच्छे से टॉवल से, और बिल्कुल सफाई का ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल्स की क्लीनिंग का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं आपने क्रिस्टल्स छोड़ दिए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, और बहुत प्रॉपर तरीके से उसकी टेक केयर प्रॉपर कीजिएगा। अब जैसे आप उसको बॉल में रखना है या पानी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करना है, या आप उसको किसी ऐसे क्लस्टर्स हैं आप इनको रखते हैं, या क्रिस्टल का ट्री है आप उसको जहां रखते हैं वहां पे रख दीजिए। जनरली यदि आप हम लोगों से क्रिस्टल्स लेते हैं तो हम उसको मैनिफेस्ट करके देते हैं, तो हमारे से जो क्रिस्टल्स लेते हैं उनमें आपको किसी भी तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर जो क्रिस्टल्स आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उनमें तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए क्लीनिंग प्रोसेस चलता ही रहता है जो आपको करते रहना पड़ता है। सबसे पहले अगर क्रिस्टल्स कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका भी जानिए, जो पानी में डाल के एकदम गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका भी आप ध्यान रखिए। तो उनके लिए आपको जो अगर आप रेकी से जुड़े हैं तो वहां पर सिंबल्स आते हैं, उन सिंबल से प्रॉपर उन क्रिस्टल को मैनिफेस्ट करते रहिए कि हमें ये क्रिस्टल डालना है या ये इस तरीके से हम क्लीन करेंगे। क्रिस्टल्स को टाइम टाइम पे उनकी एनर्जीज को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिस्टल्स की एनर्जीज बहुत जल्दी अगर पॉजिटिविटी देती हैं तो धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्व करके क्रिस्टल बिल्कुल आपका खत्म हो जाता है। एक समय लोगों ने कहा इतना अच्छा काम किया था, चेंज आ गया इस क्रिस्टल के बाद में, और कुछ समय बाद में वो क्रिस्टल काम ही नहीं कर रहा है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। क्रिस्टल को खरीदना बहुत आसान है, पर टेक केयर करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टेक केयर करने के लिए उसके जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। सेकंड मेथड, यदि आप पानी से नहीं करना चाहते हैं तो यहां मैं कहूंगी सॉल्ट वाटर। थोड़ा सा पानी लीजिए, बड़ा बाउल ले लीजिए, उसे पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट वाटर डाल लीजिए। सॉल्ट जो हमारा नमक होता है, उस तैयार हो गया आपका सॉल्ट वाटर, उसके अंदर आप क्रिस्टल लीजिए और डाल दीजिए। ये भी आप 4 घंटे से लेके 12 घंटे या 24 घंटे आपके अपने हिसाब से डाल के छोड़ सकते हैं। पर्टिकुलर यदि आप कोई डे लेते हैं तो ले सकते हैं, उसके अंदर छोड़ दीजिए, फिर उसको क्लीन वाटर से क्लीन कीजिए। यदि आप रेकी से जुड़े हैं तो चौकुरे का यहाँ इस्तेमाल कीजिए। फर्स्ट लेवल आता है, इतना ही बहुत है, ज्यादा अंदर के सिंबल्स मत जानिए। यदि मास्टर है तो बहुत कुछ जानते हैं, अगर आपने मास्टर या ग्रैंड मास्टर कर रखा है तब तो आपको अनगिनत सिंबल्स मिले ही होंगे जिनका आपको प्रयोग करना होता है। इस तरीके से क्रिस्टल से जुड़ने के बाद में आप इस्तेमाल कीजिए, इनसे क्रिस्टल्स की एनर्जीज काफी हद तक इंक्रीज हो जाती हैं, क्रिस्टल्स में कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाती है। आप अगर क्लाइंट के लिए आप यूज कर रहे हैं 7 चक्र के क्रिस्टल्स हो गए तो वो सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं, पॉजिटिविटी गेन करते हैं।
क्लीन वाटर से एंड में साफ जरूर कीजिए। क्लीन वाटर से साफ करने के बाद में अगर आपकी कोई विश है तो आप वो भी बोलिए, अगर नहीं है तो उनको वापस से जैसे आप पहले प्रयोग कर रहे थे उसी तरीके से शुरू कर दीजिए। ये हो गया सेकंड मेथड। देन थर्ड मेथड कि आप वाटर भी नहीं चाहते हैं और आप पानी भी नहीं चाहते हैं, देन पूर्णमासी वंस इन अ मंथ आती है, दैट इज फुल मून कहलाता है, आप उसमें जाइए और होल नाइट के लिए, अगर आपका बड़ा टेरेस है, अगर आपके पास कोई ओपन एरिया है जहाँ प्रॉपर सनलाइट आती है, तो अपने क्रिस्टल्स को वहाँ पे छोड़ दीजिए प्रॉपर अच्छे से किसी बास्केट में, यदि आपको किसी तरह का डर है तो किसी बाउल के अंदर रख के उनको बहुत टेक केयर प्रॉपर करके वहाँ पे छोड़िए और होल नाइट के लिए उसको वहाँ पे रहने दीजिए। होल नाइट मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो चांद की रोशनी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट एनर्जी होती है, तो क्रिस्टल्स को ज़्यादा समय के लिए वहाँ पे छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आराम से आप 7-8 बजे के बाद में आप छोड़ दीजिए और उसे आप चाहें तो मिडनाइट, या आप चाहें तो 4 घंटे बाद, या आप चाहें तो मॉर्निंग 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, जैसा आपके पास समय, आप उसे उतार के नीचे लेकर आइए, क्योंकि अगले दिन पूर्णमासी के बाद डे बदल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टल्स आपको पॉजिटिविटी में ही उठाने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ काम है, आप उनको ले आइए। और आप उनको लाने के बाद में आप चाहें तो प्रॉपर वाटर से, प्लेन वाटर से क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी जहां आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वहां पे वैसे इस्तेमाल कीजिए। ये सवाल जो आज मैं क्रिस्टल का आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी मेरे क्लाइंट ने मुझे यूट्यूब में पूछा है कि हमारे पास क्रिस्टल्स है, यूँ तो हम अपने क्रिस्टल क्लीनिंग पे वीडियो बना रखा है, फिर भी एक दो बार फिर मेथड हमें समझाइए जिससे कि हमें रिमाइंड रहे कि ये मेथड हमें इस्तेमाल करते हैं। और कोई कहता है सॉल्ट वाटर में कीजिए, कोई कहता है नॉर्मल वाटर में कीजिए, तरीके क्या हैं? तरीके कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक तरीका इस्तेमाल करें या दो करें, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग एवरी मंथ करते हैं, कुछ लोग 15 डेज में करते हैं, कुछ लोग वीकली करते हैं, ये तीनों तरीके आपके हिसाब से होते हैं, कुछ 4 महीने में, कुछ 6 महीने में, अभी आपको पता है कि आपके क्रिस्टल्स को आपको कैसे प्रॉपर क्लीन करके रखना है। कोई भी क्रिस्टल हो, टंबल से लेके मैंने आपको रॉ फॉर्म से लेके मैंने आपको क्लस्टर तक बता दिए, कैसे आप क्रिस्टल्स को, कैसे आप इनका काम लेंगे और इनसे किस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में देना है। क्रिस्टल्स के कलर्स नेचुरल होते हैं, जैसे कि इसमें गांठें बनी, गड्ढे बने, या इसके अंदर लाइंस बनी, ये सब सब नेचुरल कलर्स हैं। ये हम कोई भी इसके ना आर्टिफिशियल हम लोग कलर इस्तेमाल नहीं करते। पॉजिटिव क्रिस्टल्स कभी अपना रंग नहीं छोड़ते। हाँ, ये होता है क्योंकि टंबल्स है तो हमें इन्हें पॉलिश करना होता है, ये पॉलिश कम ज़्यादा हो सकती है, पर क्रिस्टल अपना कलर कभी नहीं छोड़ता। तो नेचुरल जो प्रकृति ने इनको रंग दिया वो उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं हमने डाला उनके कलर कम हो गए, तो वो ट्रीटेड क्रिस्टल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। क्रिस्टल्स को प्रॉपर आप अगर अपने पास या अपने घर में भी रख रहे हैं तो उसकी पोंछने का, साफ सफाई का भी आपको टाइम लिमिट पे ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपने छोड़ दिया वैसा भी नहीं आपको करना है। तीनों तरीके में से, चारों तरीके में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये आपके ऊपर होता है। विशेष बात आपको टेक केयर करनी है अपने क्रिस्टल्स की, बस इतना ही ध्यान देना, इन बातों को आपको ध्यान रखिए। आज मैंने आपको बताया कैसे आप क्रिस्टल्स को क्लीन करेंगे, कैसे उसके ऊर्जा को संचार करेंगे। यदि मेरा रेखी ज्ञान चैनल आपको पसंद आ रहा है, मैं यामिनी शर्मा ये आपसे कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।